3 बार प्रीलिम्स में, 3 बार मेंस में हुए फेल, फिर बने ऐसे आईएएस ऑफिसर जाने। क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं और कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही, तो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि कौन है गौतम सिंह। गौतम सिंह ने यूपीएससी सिविल सर्विस की प्री परीक्षा में मेंस में 3-3 बार फेल होने के बावजूद यूपीएससी परीक्षा पास की। उनका धैर्य और लगन की कहानी बाकी युवाओं के लिए प्रेरणा है। गौतम सिंह यूपी के जालीन रहने वाले हैं। इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 539वीं रैंक हासिल की थी। गौतम ने अपनी पढ़ाई लिखाई लखनऊ से की, जहां सैनिक स्कूल के बाद पीडी कॉलेज से बीटेक किया था। इससे के तहत गौतम सिंह 2015-16 के प्री में फेल हुए, इसके बाद 2017 का प्री निकाल दिया लेकिन मेंस में फेल हुए। इसके बाद 2018-19 के मेंस में असफल। 2018-19 का प्री निकालने के बाद गौतम 18 और 19 का प्री निकालने के बाद गौतम सिंह को छठे प्रयास में तगड़ा झटका लगा। वे 2022 का प्री भी नहीं निकाल पाए लेकिन वे न हिम्मत टूटी और न चाह छूटी। इसके बाद 29 साल की उम्र में जब इन्होंने 7वां प्रयास किया तो 539वीं रैंक हासिल की। उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो हार से निराश हो जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि गौतम सिंह 2015 के अपने पहले प्रयास में 6 नंबर से, जबकि 2016 वाले दूसरे प्रयास में मात्र 1.5 अंक से चूक गए थे। यही नहीं, 2019 में अपने प्रयास में भी महज 7 अंक से चूक गए थे। गौतम सिंह ने जब अपनी मार्कशीट देखी तो कहा, यह बेहद संतोषजनक पल था। जब मैंने अपनी यूपीएससी आईएएस मार्कशीट देखी, यह मेरे सालों के धैर्य, दृढ़ता और प्लानिंग का नतीजा था। इसी के साथ गौतम सिंह की कहानी उस उम्मीदवारों की कहानी है कि जो किसी न किसी वजह से बार बार निराश सामना कर रहे हैं और अपने पथ पर मजबूती से चलने से घबरा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।